हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू क्या होती है, किस तरह से निकाले जाते हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं, यह सब कुछ पढ़ा था और एक सॉल्व एग्जाम्पल भी देखा था हमने। इस वीडियो में भी हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। इट इज नोन दैट लैम्डा इक्वल टू 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास कि लैम्डा बराबर 3 जो है वो आइगन वैल्यू कैसे है, कैसे निकाली थी। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो 11 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, -5 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा -4, -8, -4, 4, 8, -4। इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स को इक्वल टू 0 पुट करने पे लैम्डा की जो वैल्यू आती है वो इसके हमारे पास आइगन वैल्यू होती है। बेसिकली ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो वहां से जो भी लैम्डा की वैल्यू आती है वो आइगन वैल्यू जो होती है। तो यहाँ से हमें हमारे पास गिवन है कि लैम्डा इक्वल टू 3 जो है वो आइगन वैल्यू है। अब हमें हमें निकालना है फाइंड द आइगन स्पेस ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस निकालना है। तो ए माइनस 3 आई जो है ये हमारे पास पहले ए माइनस 3 आई निकालना होगा। तो ए माइनस 3 आई निकाला तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। फाइंड द नल स्पेस ऑफ ए माइनस 3 आई। ए माइनस 3 आई के लिए नल स्पेस निकालेंगे, रो ऑपरेशन लगाए। रो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फ्री वेरिएबल्स देखें तो 3 रो 3 कॉलम, सॉरी 3 कॉलम, और इसकी रो जो रैंक जो है वो है 1। तो 3 माइनस 1 बराबर 2 जो है वो फ्री है। तो यहाँ पे हमने सपोज कि ये जो लाइन, इससे अगर इसको हम ए माइनस लेमडा आई या ए माइनस लेमडा आई वी इक्वल टू 0 पुट करें, या एक्स इक्वल टू 0 पुट करें और एक्स की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये X1, X2, X3 ये इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया 4X1 -2X2 -4X3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2X1 इक्वल टू, और फिर यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने X1 और X2 को एज्यूम किया, यानी कि इन्होंने लिया है 2X1 इक्वल टू 4 2X2। यहाँ से इस क्वेश्चन से 2X2 इक्वल टू 4X1 -4X3। तो ये हो गया हमारे पास X2 बराबर 2X1 -2X3। तो यहाँ से अगर X1 और X2 को, इसको T1 मान लिया उन्होंने और इसको T2 मान लिया, तो यहाँ से हमारे पास X2 बराबर क्या आ जाएगा, X2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2T1 -2T1। ये भी 2T, सॉरी T2, T2 माना है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं T1। अगर हम देखें तो ये रिलेशन क्या आएगा, बेसिक फाइनल रिलेशन क्या है हमारे पास, T1 2T1 -2T2 एंड ये T2। तो अब इसको हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में, T1 का कोफिशिएंट 1 और ये 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे T1 को हमने बाहर ले लिया, प्लस T2 के कोफिशिएंट को देखो 0 -2 और ये हो गया हमारे पास 1, 0 2 -1। तो फिर से यहाँ से आ गए, इन्होंने शायद इन्होंने X1 और X2 को फ्री पैरामीटर्स लिए हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम किसको फ्री पैरामीटर्स लें। तो ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास जो वेक्टर आए हैं वो आए 1 2 0 और 0 -2 एंड 1, ये हमारे पास वेक्टर आए हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नलिटी ऑफ ए माइनस 3 आई जो है वो क्या करेंगे, स्पेन करेंगे V1 और V2 को। तो V1 जो है हमारे पास ये है, हमारे पास V1 जो है 1 2 0 एंड 0 -2 और ये दो वेक्टर हैं। तो यहाँ से जैसे इन्होंने दिया ऐसे भी दे सकते हैं और ये स्पेन
स्पैन ऑफ, एक तो आया था हमारे पास 1-0, सॉरी 1-2-0, और दूसरा आया था, वो आया था हमारे पास 0-2-1, 0 एक वेक्टर ये, और दूसरा 0-2-1। तो इसके इसकी फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये आंसर दें या ये आंसर दें, इसके हमारे पास एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो बस ये चेक करना होता है हमें, ये स्पेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्पेन वेक्टर्स हैं या नहीं, तो लीनियर है या नहीं, ये वाली चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियर ही है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, लेट बी वन टू बी के बी आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पोंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट लैम्डा के एंड ऑफ ए, ये सभी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, देन वी वन वी टू डॉट डॉट वी के इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, वो है हमारे पास वी वन टू वी के आइगन वेक्टर्स हैं, के आइगन वेक्टर्स और के ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, तो इससे हमारे पास ओनली एक ही वेक्टर मिलेगा, यानी हर वी वन के लिए एक वेक्टर मिलेगा। अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं। सपोज बाई कॉन्ट्राडिक्शन वी वन वी टू डॉट डॉट वी के इज लीनियरली डिपेंडेंट, सपोज कि हमने वी वन वी टू डॉट डॉट वी के जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट लैम्डा के आर डे एंड लैम्डा वन से लैम्डा के डिस्टिंक्ट है, देन वन ऑफ द आइगन वेक्टर वी पी प्लस वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो उस कंडीशन में इसका एक आइगन वेक्टर जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड वी वन डॉट डॉट वी पी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन वी पी प्लस वन को किस तरह से लिख सकते हैं, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डॉट डॉट सी पी वी पी, क्योंकि ये हमारे पास जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, वी वन से वी पी तक अप्लाइंग ए बोथ साइड दोनों तरफ ए अप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वी पी प्लस वन। अब चूंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो ए सी बी ए वी वन ए वी टू डॉट डॉट ए वी पी, सिंस ए माइनस लेमडा आई बराबर क्या होता है, ए माइनस ए डॉट वी आई बराबर क्या होता है, लेमडा आई वी आई, जो कि हम बेसिकली जनरल फॉर्म में पढ़ा था हमने, तो यहाँ से हो गया लेमडा पी प्लस वन अपॉन डॉट वी प्लस वन सी वन लेमडा वन वी वन प्लस डॉट सी टू लेमडा टू वी टू, इस तरह से ये आ गया हमारे पास। ऑन द अदर हैंड मल्टीप्लाई बाई लेमडा पी प्लस वन, तो लेमडा पी प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, 21.1 को इस इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिलेशन आता है हमारे पास, तो यानी कि ये दोनों राइट हैंड पार्ट जो है वो सेम है, तो सेम है तो इसमें से इसमें माइनस कर सकते हैं, माइनस किया तो माइनस करने पे हमें क्या मिला, लेमडा वन माइनस पी लेमडा पी सी वन, इस तरह से ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। नाउ बी वन बी पी जो है वो लीनियरली, ये तो बी वन से बी पी बाकी जो चीज थे वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, तो उस कंडीशन में हमारे पास सी आई लेमडा लेमडा आई वी पी आई इक्वल टू जीरो, बट द आइगन वैल्यू लेमडा वन डॉट डॉट लेमडा के आर डिस्ट्रिक्ट, ये जो है डिस्ट्रिक्ट सभी अलग अलग है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि किसी के लिए भी लेमडा आई नॉट इक्वल टू लेमडा पी प्लस वन, यानी कि ये पार्ट जीरो नहीं होगा, ओनली जीरो क्या होंगे सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन, ये सारे पार्ट सी पी तक के पार्ट जीरो होंगे। बट फ्रॉम 21 इससे देखते हैं, तो यहाँ से अगर देखें तो ये सारी अगर जीरो हो जाती है तो वी पी प्लस वन जो है वो जीरो हो जाता है, बट ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया बिकॉज आइगन वेक्टर ऑफ बाई द डेफिनेशन नॉन जीरो, तो डेफिनेशन से नॉन जीरो थे, तो इससे हम कह सकते हैं वी वन वी टू डॉट डॉट वी के जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स लेंगे कुछ और। थैंक यू फ्रेंड्स।